हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिख दिया। आज हम डिस्कस करेंगे IBPS CFO में जो वैकेंसी इंक्रीज की न्यूज लगातार लोग पूछ भी रहे हैं मेरे चैनल पर, और जो मेरा एस्टिमेशन भी है और ये कुछ सोर्स भी मुझे पता चला है जिससे, तो मैं उस रिगार्डिंग बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी पे फाइनल रिक्रूटमेंट हो जाएगा AFO का। तो अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, तो कैनरा बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट की थी, बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी रिपोर्ट की थी और यूको बैंक ने, ये तीन बैंकों ने वैकेंसी दी थी नोटिफिकेशन में। जो 485 वैकेंसी आई थी वो इन्हीं तीनों बैंकों में थी। अगर हम बात करें PNB की, तो PNB वैकेंसी AFO में नहीं देने वाला इस बार, और ना ही बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी देगा, और ना ही सेंट्रल बैंक देगा, और ना ही पंजाब एंड सिंध बैंक देगा, ना ही यूनियन बैंक देगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक, ये दो बैंक के जो हैं करीब 200 वैकेंसीज इनके AFO की ऐड होने के पूरे पूरे चांस हैं। जो फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है, इसमें जो ये हो चुका है IBPS AFO का इंटरव्यू वगैरह, तो इसमें 485 जो आई थी, 485, और प्लस ये दोनों बैंकों की 200 प्लस वैकेंसी। तो ये कंफर्म न्यूज है कि 700 प्लस या 700 पर फाइनल रिक्रूटमेंट होगा, तो ये एक अच्छी खबर है। और बात करें अगर हम लोग स्कोर की, तो स्कोर 25 से 28 मार्च के बीच में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, 25 से 28 मार्च के बीच में मेंस का स्कोर कार्ड आ जाएगा, और रिजल्ट 1 अप्रैल, जो कि हर साल आता है लगातार 1 अप्रैल को ही आता है, लास्ट ईयर कोरोना के कारण नहीं आया था, तो 1 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।